टाटा इंडस्ट्रियल फंडामेंटल रिसर्च, उसके बाद अभी बचा है कंधा देखो पार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भी है, ओएनजीसी का डायरेक्ट एग्जाम आप दे सकते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब आप एग्जाम दे सकते हो डायरेक्ट कोई जॉब बेसिस पे है और कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड है। ये जितने भी आपको मिला ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नाम है और ये अभी आपको जो मैंने लिखा ये इंस्टीट्यूट के नाम है जो पर्टिकुलर एग्जाम लेते हैं बीएससी वाले बच्चों का, ठीक है, और वो जा सकते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप बहुत ही शानदार, मिनिमम 25,000 अगर आप पीजी करने के लिए जाएँ तो, ठीक है। ठीक, इसी तरह आपका एक एग्जाम होता है जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, हमारे यहाँ पर 17-18 बच्चों ने निकाला फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री मिला के, और मैक्सिमम बच्चे गए आईआईटी, एक बच्चा आईआईटी गांधीनगर गया, एक आईसर तिरुवनंतपुरम है, मतलब कई चीज़ों में नाम नहीं जानता, नहीं बता सकता आपको, ऐसे ऐसे जगहों में गए हैं, लेकिन वो आईआईटी उसके सामने लगा है, आईसर लगा है, नाइजर लगा है, एनआईटी में किसी को प्रीफर नहीं करता क्योंकि अभी वो थोड़ा सा छोटा इंस्टीट्यूट है एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस। आप वहाँ जाके देखिए, कैंपस देखिए, सुपर 30 मूवी सभी ने देखी है, है ना, आनंद साहब कैसे तैयारी कराते हैं बच्चों को आप देखो, है ना, कैसे सांवले पतले दुबले, है ना, बिल्कुल कितने गरीब तबके से थे, लेकिन जब वो आईटी के कैंपस में गए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है सुपर 30 के बारे में। ये एक आप सेम एग्जाम दीजिए, ठीक उसी तरह आप दीजिए नेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक आप जिसको इंटरेस्ट है लिख सकते हो। ठीक इसी तरह है आपका जेस्ट, जेस्ट ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ये सभी के सभी आप अगर आपके से कितने बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में हैं, बीएससी फाइनल ईयर, वेरी गुड, ये सब जो बता रहे हो तुम सभी के लोगों के लिए, ठीक ये तुम सभी लोगों के लिए है स्पेशली, हालांकि अभी इस बार तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज जो बीएससी सेकंड फर्स्ट में भी है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इसका एग्ज़ाम अभी आने वाला है, फॉर्म आपका सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, जेस्ट का, नेस्ट का, जैम का, टीफर का, बार्क का, ONGC का, जॉब ओरिएंटेड है सीधा, है ना, इस तरह से आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। और आप सभी अगर बीएससी फाइनल ईयर आपका हो गया है या बीकॉम वाले भी और बीए वाले भी, सॉरी उनको जगा देता हूँ, ठीक है, तो अगर आपका कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन तो आप नेट के एग्ज़ाम दिला सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सभी तो मेरे ख्याल से पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सरस्वती माँ के साथ साथ थोड़ा लक्ष्मी जी का भी वास करा लेते हैं क्योंकि सरस्वती माँ कई समय तक बुरी लगती है, मैं वैसे सरस्वती माँ लक्ष्मी माँ को दोनों को पूछता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ कि दोनों साथ में लेके चलो तो बेहतर, अभी तक पूरा मैं सरस्वती माँ के बारे में बता रहा हूँ, अब थोड़ा लक्ष्मी माँ का भी समावेश करते हैं। वो कैसे, अगर आपने नेट निकाला दोस्तों, नेट में अगर आपने नेट निकाला बीए वाले, यूजुअली एग्ज़ाम होता है एमए के बाद, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से इस तरह से हुआ है कि आपके पास अगर यूजी की डिग्री कम्प्लीटली है तो आप फॉर्म भर के दिला सकते हैं, और आपने पास कर लिया नेट का एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको 2 साल के अंदर क्या करना है, पीजी को कम्प्लीट करना है, पीजी डिग्री मतलब समझ, तो बार बार बोल रहा हूँ चीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एमए, एमकॉम, एमएससी आपको कम्प्लीट करना है, ठीक है। अगर आपने नेट निकाल लिया, नेट में 4 अलग अलग रैंक हैं, सबसे नीचे लेक्चररशिप और उसके ऊपर JRE, एमकॉम और एमए के लिए, और एमएससी वालों के लिए नेट एलएस सबसे नीचे लेक्चररशिप, उसके बाद UGC JRE, उसके बाद CSIR JRE तीनों में था, और सबसे ऊपर SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। स्कॉलरशिप कितना मिलेगा, मैं हमारे यहाँ का ये सब का हेड हूँ, बच्चे लोग जो स्कॉलरशिप पाते हैं, 4 बच्चे हमारे यहाँ हैं जो नेट क्वालिफाइड के बाद पे हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं, उनका स्कॉलरशिप का काम मैं ही देखता हूँ, तो उन बच्चों का स्कॉलरशिप में जब देखता हूँ हर महीने भरता हूँ 10 तारीख के पहले, मुझे बड़ा खुशी होता है। 31,000 दोस्तों, 31,000 प्लस HRA प्लस आपका कंटिजेंसी, मतलब आप जो यूज़ करते हैं लाइक कुछ पेपर वर्क आपका, कुछ फाइल वगैरह है ना, नोट्स वगैरह, उसके लिए आपको अलग से मिलता है, 8 सालों की मिलता है, लगभग हर 3 महीने में 2500, हर 3 महीने 2500 मतलब 12 महीने का 10,000 हुआ,
और 31,000 आपका हर महीने का है, साल का नहीं है, हर महीने। यार अभी तो भी डेमो है यार, बचा है, इसका एचआर ही निकालो। 31,000 का एचआर ही सिटी के हिसाब से, लाइक दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर लगभग 10%, थोड़ा कैपिटल हो गया लाइक रायपुर 20%, और थोड़ा मेट्रो सिटी हो गया, दिल्ली है, कोलकाता है, ठीक है, चेन्नई है, हैदराबाद है ना, मुंबई है 30%। तो ना ऊपर का लेते हैं ना नीचे के लेते हैं, बीच के लेते हैं। 31,000 का 20% कितना, मैथ्स वाले एकदम फटाक से बता सकते हैं, हालांकि इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई बता सकता है। 31,000 का 20% कितना दोस्तों, मतलब लगभग लगभग 3,600 कुछ करीब, एम आई राइट, कितना हो गया जोड़ो, 6,000 के आसपास। 31 में लगभग 36 का जोड़िया, 6,000 कुछ होगा क्या? जी जी 6,200, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप जोड़िए 3 कितना हुआ, 3720 हुआ, 40-47-200 टोटल जो आपका कंटिजेंसी मिला के पर मंथ ले, नहीं ये पर मिला के लगा तो ये आपका 37,200 पर मंथ 200 है। हाँ लगभग, मतलब आप मान के चलिए लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 42,000 मान लीजिए, चलो 42,000 ठीक है। कितना पैसा होता है बताओ, तो हर महीने मिलेगा, चपरासी नौकरी नहीं मिलेगा, क्लर्क में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सोचो, मैं इसलिए लालच देता हूँ दोस्तों कि सरस्वती माँ जब आपके साथ चलती है ना, पीछे लक्ष्मी माँ भी आती है, और ये एग्जाम इसी तरह से, इसलिए बच्चों को मैं स्कॉलरशिप के बारे में विशेष कर बताता हूँ। स्कॉलरशिप के बारे में आप जानिए, पीडीएफ पूरा शेयर करता हूँ, डाउट है तो आगे पूछो, फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म समझ नहीं आ रहा तो जिस भैया से आप कैफे से भरवा रहे हो बात कराओ मेरे से, कैसे भरना है क्या भरना है मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या दोगे आप, मुझे ला के दोगे क्या 10%, कुछ पैसा दोगे सर, लो ना टेबल के नीचे से ले लो, इतना अच्छा आपने हेल्प किया, कुछ नहीं चाहिए, सब आपके लिए है, भरी पड़ी है पूरी तरह से, पूरी तरह से भरी पड़ी है। जैसे आप बीकॉम कर रहे हो ना, बीकॉम वाले बच्चों को अच्छे से पता है आपके सिलेबस में उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप का एक सिलेबस है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, मार्केटिंग का सिलेबस है अगर मैं सही हूँ तो। मार्केटिंग मतलब का पूरा USA अमेरिका मार्केटिंग में खड़ा है, 80% उनका बिजनेस किसका है, मार्केटिंग का, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप पूरा चल रहा है। आप लोग उस सिलेबस में क्या पढ़ते होंगे मैं बता रहा हूँ, ब्याज लेने के तरीके, ब्याज कैसे लें, कैसे उसका वहन करें, कैसे उसका निर्वहन करें, है ना। आपको सरकार उद्योग खड़ा करने के लिए ब्याज देती है, अगर आपके पास किसकी डिग्री है, बीकॉम की डिग्री। स्पेशली सोचिए उद्यमिता के क्षेत्र में आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। BA वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं, जर्नलिज्म डिप्लोमा, PG डिप्लोमा इन योगा, योगा भी कितना बढ़ता हुआ ट्रेड है, सभी को पता है ना। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मेकिंग, ये सब आपके फील्ड के हैं, मैं कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आप सभी BA वाले और BCOM वाले, और ये सब जो भी मैं बताया आपको, ये BSc वाले, और ये पूरा जो नेट के बारे में मैंने बताया सभी के लिए, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। अब इसको मैं थोड़ा सा जोड़ के बता रहा हूँ आपको, UPSC और इसको, किसी बच्चे का UPSC पर UPSC की तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले जाइए नेट की तरफ, नेट एग्जाम क्वालीफाई करिए, स्कॉलरशिप मिल रहा है, गाइड को बोल दीजिए सर मेरा, मैडम मेरा थोड़ा एम जो है UPSC की तरफ ज़्यादा है, मान जाते हैं, या फिर नहीं मान रहे हैं तो उनको दिखावे के लिए PhD करने के लिए ज्वाइन कर लो, अभी स्कॉलरशिप लेते रहो, UPSC के लिए तैयारी कर लो, आप वहीं से फुल फोकस्ड होगे। ऐसा कुछ कभी ऐसा कोई लिखा है क्या कि आप कोचिंग नहीं करेंगे नहीं निकलेगा, कोचिंग नहीं करेंगे ऐसा बोलने से नहीं निकलेगा, ऐसा है क्या? आप मैक्सिमम देखना, मैक्सिमम जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं कोचिंग नहीं किया, वो गूगल से ही या फिर लोकल उनके पास टाइम ही रहता कोई जॉब में रहते हैं और उस तरह से वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कितना ब्रॉड है आपके पास, कितना ब्रॉड है, आप क्या नहीं कर सकते। आप साइंस वाले बच्चे गेट भी दिला सकते हैं, अब गेट की क्या ब्यूटी है, गेट मतलब ये वाला गेट नहीं भैया, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। टाइमिंग के लिए कुछ कैलकुलेट करना,
गेट बच्चों गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अच्छा आप ऐसे कितने बच्चों को पता है कि गेट की सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है? सबसे ब्यूटीफुल अभी भी आपका मन अगर होगा इंजीनियरिंग करने का तो आप गेट के बाद एमटेक कर सकते हो। एमएससी करिए गेट निकालिए गो फॉर एमटेक, बीएससी करते करते गेट निकालिए गो फॉर। अच्छा ये सब की मैंने आपको इम्पोर्टेंस ही बताया ना जेम नेस्ट और जेस का। आप बीएससी के बाद अगर एमएससी करना चाहें दोस्तों तो आईआईटी में आपको एक ऑप्शन मिलता है एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड पीएचडी या ओनली एमएससी, ठीक है। एमएससी प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स।